नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज मैं आप सबके लिए सीटेट एग्जाम के लिए जूनियर लेवल साइंस लिख गई हूँ। अगर आप सीटेट में जूनियर लेवल साइंस का सिलेबस देंगे तो सामान्यता ये टॉपिक है, इसके अंदर के अगर 100 टॉपिक को NCERT बुक के माध्यम से कंप्लीट कर लेते हैं तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप क्या करेंगे, सिर्फ पॉइंट के साथ साथ क्या NCERT में जो इम्पोर्टेंट इमेज थी वो भी मैंने आपको दी है, ताकि इस कम टाइम का आप अच्छे से यूटिलाइज कर लें और शॉर्ट में आपका हर चीज़ का रिविजन कराए। भोजन टॉपिक को इससे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, द्रव्य की अवस्था को, सजीव जगत, मानव कार्य के टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आपको दैनिक उपयोगी पदार्थ टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको जाकर देख लीजिएगा। ओके, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अम्ल क्या होता है, अम्ल का दैनिक जीवन में प्रयोग क्या होता है, किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, अम्ल का हमने वर्गीकरण कैसे किया था, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्षार के बारे में, उदासीनीकरण क्रिया के बारे में, लवण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज द बेस, क्षार होते क्या है। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में तीखे होते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्षार क्या करते हैं, क्षार लाल लिटमस को नीला करते हैं, जबकि अम्ल मैंने क्या बताया था, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इसको आप शॉर्ट में याद रखिएगा, अम्ल को क्या याद करिए, अनीला, मतलब नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। और क्षार को कैसे कर लीजिए, झलानी करके याद कर सकती, मतलब पहले लाएगा फिर ना आएगा। ये आप कुछ भी अलग सा बनाइएगा तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्लियर हो क्या। जैसे आपका बेकिंग सोडा होता है, कभी आपने बेकिंग सोडा चखा है, कुछ केक वगैरह बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं, उसमें यूज होता है। उसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा नहीं होता, हल्का नमकीन जैसा लगेगा, उसमें एक बूंद पानी डालोगे ना हल्का लिबलिबा लिबा लगता है। ये क्या होता है, क्षार का भौतिक पहचान होती है। अब इसके अलावा अगर पूछेगा तो कैसे साबुन जैसा चिकना दिखता है, कोई पदार्थ जो साबुन जैसा चिकना दिख रहा है उसका स्वाद कैसा है, नमकीन है, बताइए क्या है, क्षार है। अब क्षार का रासायनिक गुण क्या होता है, क्षार का जल में वियोजन करने पर ये हाइड्रोक्सिल ऋणायन देता है, जबकि अम्ल क्या दे रहा था, हाइड्रोजन धनायन दे रहा था। इसका स्वाद कड़वा होता है और स्पर्श करने पर कैसा होता है, साबुन जैसा लगता है। इनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षार की होती है, जबकि अम्ल की प्रकृति अम्ली हो रही। मैं दोनों चीज़ों आपको कंप्लीट करा रही हूँ, जल्दी समझिए। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार कैसे होते हैं, नमकीन या कड़वे होते हैं। अम्ल क्या करते हैं, रासायनिक गुण हाइड्रोजन धनायन देते हैं, जबकि क्षार क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल ऋणायन देते हैं। हाइड्रोक्सिल ऋणायन क्षार देते हैं, हाइड्रोजन धनायन कौन देते हैं, आपके अम्ल देते हैं, क्लियर हो गया। इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अम्ल क्या कर देता है, अम्ल अनीला, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्षार छलानी, क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, क्लियर। लिटमस पेपर के माध्यम से हम अम्ल क्षार की पहचान करते हैं। इसके अलावा पीएच पैमाना, पीएच पैमाने के माध्यम से हम अम्ल क्षार का निर्धारण करते हैं। पीएच पैमाने का विकास किसने किया था, सोरेनसन ने। अगर किसी चीज़ का पीएच मान 7 से कम है तो क्या होता है, अम्ली होता है। अगर पीएच मान 7 है तो कैसा होता है, उदासीन होता है। अगर पीएच मान 7 से अधिक होता है तो कैसा होता है, क्षारीय होता है, ध्यान रखिएगा। जल को, क्षार को जल में घुलने पर वियोजित होकर क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, ध्यान रखिएगा। क्षार क्या कर देते हैं, अम्ल से क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। क्षार विद्युत के कैसे होते हैं, चालक। क्षार की प्रकृति कैसी होती है, संचारक होती है, ध्यान रखिएगा। अब सूचक क्या होते हैं, सूचक वे पदार्थ होते हैं अम्ल और क्षार मिलाने पर जिनका कलर चेंज होता है, जिनका रंग परिवर्तित हो जाता है। इसके माध्यम से हम अम्ल और क्षार का निर्धारण करते हैं। जैसे लिटमस पेपर, लिटमस पेपर भी क्या, एक प्रकार का सूचक है। हल्दी, फिनोप्तेलिन, ये सब भी एक प्रकार के प्राकृतिक सूचक हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे आपकी इमेज दी हुई है कि भाई मैं कह रहा हूँ मैं तो सब चीज़ों को चख सकता हूँ, उसने बोला नहीं भाई आप सब चीज़ों को नहीं चख सकते। वैसे तो हम टेस्ट के अकॉर्डिंग बता सकते हैं ना कि अम्ल खट्टा है, ये नमकीन है, कड़वा है, तो अम्ल है, ये क्षार है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत डेंजरस होंगी, इसलिए हमें सूचक का, इन सब चीज़ों का प्रयोग करना पड़ा। स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी क्योंकि मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ, इससे पहले आप सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी उनको भी देख लीजिएगा, और शॉर्ट में कम टाइम में आपको सारी चीज़ें पढ़ा दूंगी और सारी चीज़ें आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ जैसे आपका पेपर टाइम आएगा मैं आपको 5-6 दिन इसकी ज़बरदस्त प्रैक्टिस करा दूंगी मास्टर क्लास के द्वारा,
आसानी से बहुत अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। ओके, लिटमस पेपर फिनोफ्थेलिन मिथिल ऑरेंज हेल्दी, ये सब क्या प्रमुख सूचक हैं। जैसे कह रहे हैं कि आप अपनी माँ के लिए कोई विशेष कार्ड बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं। कहा कि भैया कागज पर क्या लिए हल्दी का पेस्ट लगाइए और जब सूख जाए तो रूह की फाया के साथ से चूना का पानी लगा दीजिए। अब देखिएगा एक कलर चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हल्दी का आपने पहले पेस्ट लगाया फिर उसमें आपने चूने का पानी लगा दिया तो दोनों ने क्रिया करके क्या हुआ, कलर रेड रेड हो जाता है। कई बार क्या होता है, हम खाना खाते हैं हल्दी गिर गई फिर उसको हम साबुन से धुल देते हैं तो कलर क्या हो जाता है, रेड चेंज हो जाता है। कैसे? क्रिया हो जाती है अम्ल और क्षार की क्रिया के द्वारा। क्लियर हो गया? ये कह रहा देखा मुझे समझ आया तभी, क्योंकि मेरी शर्ट पे तो हल्दी का दाग पड़ा था और साबुन में धोने पर क्या हो गया, लाल, क्योंकि साबुन की प्रकृति कैसी होती है, क्षार की होती है। अच्छा आप यहाँ पे दो क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। जल की कठोरता स्थायी कठोरता किसके कारण होती है और अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है, ध्यान रखिएगा। और धावन सोडे का और बेकिंग सोडे का दोनों का केमिकल फार्मूला लिखिए, क्योंकि इससे पहली क्लास में मैंने जो आपको भोजन वाला टॉपिक पढ़ा रही थी ना, कुछ मैंने फार्मूले आपको बताए थे, जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। लिटमस पेपर को हम प्राप्त किससे करते हैं, लाइकेन। लाइकेन एक पादप होता है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, लिटमस पेपर को प्राप्त करते हैं। अच्छा ये बताइए लाइकेन किसका सूचक होते हैं, लाइकेन किसका सूचक होता है, कि लिटमस पेपर हमारे यहाँ पे किसका सूचक होते हैं। जो लाइकेन होता है कवक और शैवाल इनके मिलने से क्या होता है, लाइकेन बनता है, ध्यान रखिएगा। और ये क्या होता है, नीले लिटमस पेपर के और लाल लिटमस पेपर के रूप में मिलता है। लाइकेन से ये क्या होता है, लिटमस पेपर की प्राप्ति होती है। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने आपको इमेज लगा दी थी, ध्यान रखिएगा। सूचक उदासीन होते हैं, सूचक में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अम्ल और क्षार का तो कलर चेंज करते हैं और सूचक जो होते हैं कलर नहीं चेंज करते, मतलब उदासीन होते हैं। अगर ये उदासीन है तो इनका पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। क्लियर हो गया? पीएच पैमाना, पीएच पैमाने का विकास किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। पीएच पैमाने के द्वारा अम्लीयता व क्षारीयता का निर्धारण करते हैं। पीएच पैमाना में 1 से 14 तक की संख्याएं अंकित होती हैं। उदासीनीकरण की क्रिया क्या होती है, इस टॉपिक को बहुत सरल है, ये सारे पॉइंट आपको पता होंगे लेकिन मैं आपको शॉर्ट में जल्दी से रिवाइज करा रहा हूँ। जब अम्ल और क्षार मिलकर क्रिया करें और लवण तथा जल का निर्माण हो, यह क्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण की क्रिया। जैसे अम्ल मिल जाए, क्षार मिल जाए और एक क्या लवण तथा साथ में जल का निर्माण हो जाए, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण की प्रक्रिया। अब लवण की प्रकृति कैसी हो सकती है, लवण आपका अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है, उदासीन प्रकृति का भी हो सकता है। अब उदासीन क्या होता है, उदासीन क्या होता है, अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अपक्रिया जो होती है उदासीनीकरण की अपक्रिया होती है। इसमें ऊष्मा के निर्मुक्त होने, कई बार ऊष्मा निकलती है उसके साथ साथ जल भी निकलता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। भारी जल का सूत्र क्या होता है, भारी जल T2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल की खोज किसने की थी, यूरे तथा वॉसवर ने। भारी जल का प्रयोग किसमें करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भी भारी जल का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्यूटेरियम। इसी ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है D2O, जिसे हम भारी जल के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का हम प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जिससे कई बार हम बोलते हैं ना कि इनो पी लो, गैस बन गई है, ऐसा बोलते हैं ना कि हमें बहुत ज़्यादा इनो पी लो गैस बन रही है, क्योंकि हमारी बॉडी में अमाशय में क्या होता है, HCl अम्ल होता है। जब अम्ल हमारी बॉडी में है तो अब हमें क्या चाहिए, क्षार चाहिए। तो हम जैसे कोई भी एंटी एसिड ले लेते हैं, हम बोलते हैं ना एंटी एसिड है, एसिडिटी में हेल्प करेगा, बॉडी में तो अम्ल पहले से बन रहा है। और हमें पता है जब क्षार कर देते हैं, क्षार से क्रिया करेंगे तो एक तो ऊष्मा निकल जाएगी और जल निकल जाएगा। तो कई बार जैसे हमें एसिडिटी बन रही होती है ना, ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा पेट फूल रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि अम्ल की अधिकता हो गई है। तो हम क्या करते थे, इनो या कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कई बार दूध या मैग्नीशियम या कोई और आते हैं उसको लिया। अब क्या हो रहा है, अम्ल और क्षार इसकी क्रिया होने से अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर लेते हैं और हमें लगेगा हमें तो हेल्प मिल गई। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम कहाँ पर करते हैं, जैसे चींटी और बर्र काट लेती है, तो मैंने आपको बताया चींटी और बर्र इन सब में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। जब फॉर्मिक एसिड है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर कोई भी दवा लगाते हैं, उसमें क्या होती है, क्षार होती है। इसके अपक्रिया से वहाँ पर ऊष्मा निकल जाती है तो हमें थोड़ा सा ठंडक महसूस होती है, अच्छा लगता है। चींटी और बर के काटने में कृषि में बहुत सारे क्या होते हैं, उर्वरक होते हैं जो मृदा को अम्लीय बना देते हैं और कुछ क्षारीय बना देते हैं। तो हम अलग अलग टाइप की क्या करते हैं,
उर्वरक डालते रहते हैं, कुछ की प्रकृति अम्लीय होती है, कुछ की क्षारी, जैसे उदासीनीकरण की अपक्रिया होती रहे। इसके अलावा जैविक कंपास्ट का उपयोग करते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट में बहुत सारे कारखानों में जो अपशिष्ट होते हैं अम्लीय पदार्थ के होते हैं, तो उसमें डायरेक्ट नदी में नहीं बहाना होता, उनमें क्या होता है कुछ क्षारकीय पदार्थ डालने होते हैं ताकि उदासीन हो जाए, तो उनका प्रभाव कम हो जाए। इन सब तरीकों का हम प्रयोग करते हैं कई बार, ध्यान रखिएगा। और एसिटेट, ये आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है एसिटेट आप अक्सर सुनते हैं, एसिटेट का फार्मूला अगर आपसे पूछेगा कैसे होता है H2SO4+HNO3, इससे क्या होता है एसिड रेन होता है। एसिड रेन को क्या बोलते हैं, इमारतों का किस ट्रोप भी बोलते हैं। जैसे मथुरा के रिफाइनरी से क्या हो रहा था, ताजमहल का संगमरमर पीला पड़ रहा था, या कई बार बहुत सारी बार क्या होता है एसिड रेन हो जाता है, बहुत ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है, इसे हम इमारतों का कुष्ठ रोग भी बोलते हैं। पीएच का मान कितना होगा, इसका पीएच मान जो होगा 7 से तो कम होगा, ध्यान रखिएगा, तभी अम्ल होगा। लगभग कितना होता है 5 से 6 के बीच में होता है, 5.4, 5.6, 5.7 ऐसा समथिंग होता है। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अम्लीय वर्षा क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे, ये सारी गैसें वायु में क्या करती हैं प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त होती हैं। अब ये गैसें क्या करती हैं, घुल जाती हैं वर्षा के जल में, कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं, इससे क्या होता है अम्लीय वर्षा होती है। तो ये आपसे पूछता है कि यार कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सबसे ज़्यादा सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, इससे ही क्या होता है आपकी अम्लीय वर्षा होती है। इसको फार्मूला जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फार्मूले में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। कई बार आपसे तत्व पूछ सकते हैं, प्रदूषक तत्व कौन से होते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं आपका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होते हैं, जो क्रिया करके आपके कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक अम्ल बनाता है, ध्यान रखिएगा। ओके, कोई भी दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो रही तो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। अब एसिड रेन से दिक्कत क्या होती है, एक तो हमारे यहाँ पर मृदा की जो अम्लीयता होती है बढ़ जाती है, जब मृदा की अम्लीयता बढ़ जाएगी तो पादप और जगत को भी बहुत ज़्यादा हानि होती है। अब आपके लवण क्या होते हैं, अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण से जो एक ठोस प्राप्त होता है उसे हमको क्या बोलते हैं, साल्ट, लवण, क्या बोलते हैं, साल्ट या लवण। अपने उदासीनीकरण की अपक्रिया पड़ी थी, अम्ल तथा क्षार की अपक्रिया कराने पर हमें कुछ पदार्थ प्राप्त होते हैं, ऊर्जा निर्मुक्त होती है, उसे हम क्या बोलते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया से ही जो एक ठोस पदार्थ प्राप्त होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। आपकी एनसीईआरटी में देखिए प्रमुख शब्द के रूप में दिया है, अम्ल क्या होता है, अम्ल जो स्वाद में खट्टा होता है, इसके अलावा रासायनिक गुण क्या होता है, हाइड्रोजन थनायन देता है, अम्ल क्या कर देता है, अम्ल आपके नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, क्षार क्या करता है, स्वाद में नमकीन कड़वा होता है, क्षार को छूने पर कैसे साबुन जैसा लिपलिपा लिप लगता है, और चीज क्षार क्या कर देता है, क्षार नीले को लाल कर देता है। इसके अलावा सूचक क्या होता है, अम्ल तथा क्षार के बारे में बताते हैं तथा इनका स्वयं का रंग परिवर्तित नहीं होता, जैसे आपका हल्दी होगा, फिलोप्थेलिंग हो गया, ये सब आपके सूचक होते हैं। उदासीन क्या होता है, उदासीन विलयन क्या होता है जिसमें अम्ल और क्षार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसका पीएच मान क्या होता है 7 होता है। उदासीनीकरण की अपक्रिया क्या होती है, अम्ल तथा क्षार की अपक्रिया में जब ऊष्मा, ऊर्जा या कोई पदार्थ निर्मुक्त होता है तो उस अपक्रिया को क्या बोलते हैं उदासीनीकरण की अपक्रिया। लवण क्या होता है, अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण की अपक्रिया से प्राप्त जो ठोस अवशिष्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं लवण। तो सारे पॉइंट को हमने डिस्कस के लिए, कोई दिक्कत कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन द्वारा पूछिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।